ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने अदालत में एफिडेविट दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रचार एक मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट ईडी के डिप्टी डायरेक्टर भानुप्रिया ने दाखिल किया है। शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल अभी जुडिशियल कस्टडी में है। जमानत के लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए हैं। पिछली सुनवाई यानी 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि चुनाव 5 साल में आते हैं, ये असाधारण परिस्थिति है। कोर्ट ने कहा था कि अगर हम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो हमारी शर्त रहेगी कि वे सरकार के काम में दखलअंदाजी नहीं करें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। 1 अप्रैल से वे तिहाड़ जेल में बंद है।